अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि इस तरह के छज्जे अक्सर आप लोगों ने घरों के ऊपर बनाते हुए देखा होगा। ये छज्जे इंतहाई खूबसूरत लगते हैं। इस तरह के छज्जे हम जिस तरह आप लोगों के सामने हैं हम बना रहे हैं, तो आज हम इसके बारे में डिटेल से हम जानेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। तो आइए देखते हैं कि हमने इसकी स्टार्टिंग कैसे की है। जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है कि हमने शटरिंग प्रॉपर तरीके से लगाई हुई है, शटरिंग के ऊपर हमने लेआउट किया हुआ है। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 3 इंच का ऑफसेट दिया हुआ है। यहाँ पे हमने 2 लाइनें खींची हुई है, यानी लेआउट किया हुआ है। यहाँ से हमारी गुलाई स्टार्ट होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 6 इंच का फासला दिया हुआ है, यानी ऑफसेट दिया हुआ है। अभी हम प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमने इसको किस तरह इस पर साइड बनाया हुआ है, यानी छज्जे को हमने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने छज्जा इस तरह से बनाया हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ से यहाँ तक जो है ना 3 इंच ऑफसेट दिया हुआ है, और यहाँ से यहाँ तक 3 इंच जितनी भी ऑफसेट है हमने 3 इंच रखी हुई हैं। यहाँ से हमें हमारी गुलाई स्टार्ट होके यहाँ पे हमारी गुलाई ख़त्म होगी। ये आप देख सकते हैं कि हमने प्रॉपर तरीके से गुलाई बनाई हुई है। और ये जो लाइन आप लोगों को नज़र आ रही है, ये लाइन ये कंक्रीट की टॉप होगी, इसकी 3 इंच कंक्रीट होगी, यानी छज्जे की कंक्रीट 3 इंच होगी, और हमने 3 इंच ये टक छोड़ी हुई है। यहाँ से हमारी गुलाई स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होगी। तो दोस्तों, अगर मैं इसको साइड से देखूँ तो साइड से हमें कुछ इस तरह का फेस नज़र आएगा। छज्जे का कंक्रीट करने के बाद इस तरह का कुछ नज़र आएगा। ये जितना भी हमने मलबा डाला हुआ है, ये हमने आरजी डाला हुआ है, इसके ऊपर हम कंक्रीट करके इसको हम बाद में गिराएंगे। जिस तरह आप देख सकते हैं, ये इसलिए हम डालते हैं ताकि हमारा जो माल है वो कम लग जाए। इसके अंदर जो भी कचरा होगा आप डाल सकते हैं। इसके ऊपर कंक्रीट करके इसकी सरफेस साफ आनी चाहिए। जिस तरह हमने ये शटरिंग लगा के इसके ऊपर मसाले की लेयर चढ़ाई हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर से हमारी गुलाई स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होगी। तो ये शटरिंग आप देख सकते हैं, हमने 3 इंच का जो टक दिया हुआ है, इस तरह आप लोगों को मैंने पहले बताया है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी 3 इंच है, फिर यहाँ से हमारी गुलाई स्टार्ट होके यहाँ पे ख़त्म होगी। उसके बाद जो है हमारी जो लाइन जा रही है, ये कंक्रीट की टॉप होगी। तो दोस्तों, जिस तरह आपने देख लिया कि ये गोला यानी ये छज्जा बना के इसके बाद हम प्रॉपर तरीके से इसके ऊपर कंक्रीट करेंगे, यानी कंक्रीट करने से पहले इसके ऊपर स्टील बांधेंगे, उसके बाद हम कंक्रीट करेंगे प्रॉपर तरीके से सफाई के साथ। तो दोस्तों, जिस तरह आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक छोटा सा स्लैब है, और इस तरह का शेड हम पूरे बिल्डिंग पर बनाएंगे। ये आप देख सकते हैं कि जिस तरह हमने ये छज्जा बनाया हुआ है, ये सारी बिल्डिंग पर हम बनाएंगे। और दोस्तों, ये भी साथ साथ बताता जाऊं कि शेड की जो हमने हाइट रखी हुई है 18 इंच, यानी 1.5 फुट हमने इसकी हाइट रखी हुई है। इसके अंदर हमने इसको एडजस्ट किया हुआ है, इस पर ड्राइंग, और फाइनली इसके ऊपर हम सरिया बिछा के, स्लेब के ऊपर सरिया बिछा के और शेड के ऊपर बिछा के इसकी हम प्रॉपर तरीके से कंक्रीट करेंगे। जिस तरह आप लोगों को नज़र आ रहा है दोस्तों, तो उम्मीद है कि दोस्तों आप लोगों ने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा कि हम शेड किस तरह बनाते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।